हेलो एंड बहुत बहुत वेलकम है आप सबका हमारे इस मास्टर क्लास विद बिलियनर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स का जो हमारा ये सीरीज चल रही है उसमें इसमें संजीव बजाज जी आए थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, रमेश अग्रवाल जी जो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की जो फाउंडर हैं उन्होंने बताया कि अलग तरीके से कैसे सोचना है। पर आज की जो मास्टर क्लास है ना वो बहुत ही खास है क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं। आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर किरण बेदी और इनकी तारीफ में या इनके बारे में मैं जो भी कुछ कहूँ वो डेफिनेटली कम है। पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थी जो प्रिजन रिफॉर्म हम जिसको कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करने में। रेमन मैक्सेसे अवार्ड मिला इनको 1994 में। 2003 में किरण बेदी जी बनी फर्स्ट इंडियन भी और फर्स्ट वुमन भी टू बी अपॉइंटेड एज हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस पुलिस। बहुत ही बड़ी बात है, पुलिस एडवाइजर इन द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑर्गेनाइजेशंस थी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया टेनिस प्लेयर भी हैं। अभी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुडुचेरी तक, पुडुचेरी की पिछले साल तक। और इनकी प्रोफेशनल जर्नी और यू नो इनके कई बोल्ड डिसीजंस के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। इन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं पर जो दो इंपॉर्टेंट बुक्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी जिसपे काफी हद तक ये सेशन भी आधारित है वो है एक क्रिएटिंग लीडरशिप, जो लीडरशिप लेसन्स हैं फॉर एवरीवन जो इन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से दिए हैं और एक लेसन के तौर पे बड़ी खूबसूरती से इन्होंने उसको इस बुक में पिरोया है। और दूसरी जो बुक है जिसको मैंने भी हाल ही में अभी पढ़ा है वो है फियरलेस गवर्नेंस। इंदिरा नुई जी जो पेप्सी की हेड रह चुकी हैं उन्होंने जब ये बुक पढ़ी तो कहा कि ये एक एग्जाम्पल है ब्लूप्रिंट का ऑफ लीडरशिप इन एक्शन, मतलब इससे बड़ी एक टेस्टिमनी क्या मिल सकती है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि ये सेशन आपने पूरा अंत तक देखना है, छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अंत में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे डायरेक्टली किरण मैम से। और इनकी लाइफ से अगर हमने कुछ लर्निंग्स नहीं ली तो फिर क्या बात है। लेट मी वेलकम विद अ वेरी वेरी बिग डिजिटल अप्लॉज डॉक्टर किरण बेदी ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू मैम टू टॉक अबाउट लीडरशिप लेसन्स जो आपकी लाइफ से हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू, बड़ा बिजनेस, आपका नाम बड़ा है, आई रियली लाइक द नेम, इट्स बड़ा बिजनेस। और मुझे विवेक बिंद्रा जी, जब मैं पौंडिचेरी में थी तभी भी संपर्क में थे, तब मैं सोचती थी कि बड़ा जल्दी है बताना कि पौंडिचेरी में क्या हुआ, कैसे किया, किस किसने किया, क्या था एड्रेस करने के लिए। सो इट्स अ केस स्टडी। आज मैं आपको, आफ्टर ऑल आपको पता होगा कि जब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी, आप जानते हैं मैं इतिहास हूं इस दिल्ली के काम का, कि जब मैं पांडिचेरी गई मैं 30-40 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ गई थी, क्योंकि उसके पीछे मेरी इंडियन पुलिस सर्विस का अलग अलग पोजीशंस का इतिहास था। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, हर एक चीज में कमी थी, डेफिशिएंसी थी। पुलिसिंग इज वेरी डेफिशिएंट इन मेनी मेनी वेज, पुलिसिंग डिपार्टमेंट्स आर वेरी डेफिशिएंट, मैन पावर नहीं होता, गाड़ियां नहीं होती, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होता, पुराने जमाने में उन दिनों में स्टेशनरी भी नहीं होती थी, मैन पावर तो छोड़ो कागज पेंसिल भी नहीं होता था। थिंग्स हैव ड्रामेटिकली चेंज नाउ, बट ड्यूरिंग द टाइम मैं पुलिसिंग कर रही थी हमको स्टेशनरी भी नहीं थी, कुर्सी मेज भी नहीं होता था कई बार, तो गाड़ी छोड़ो मैन पावर छोड़ो कुर्सी मेज नहीं होता था, अपनी कुर्सी मेज ढूंढना पड़ता था। सो आई केम बैक केम टू दैट एक्सपीरियंस। तो मैं पहली स्टेटमेंट में देना चाहूंगी कि मैं कुछ मिनट पहले 20-30-25 मिनट जितना बड़ा बिजनेस बोलेगा मुझे, मैं बात करूंगी आपसे। पहली बात कि जब मुझे पांडिचेरी की पोजीशन मिली कैसे, एक दिन मैं संडे का दिन था तो मुझे फोन आया कि आपको प्रधानमंत्री जी घर पे मिलना चाहते, तो मैं हैरान हो गई और मैंने सोचा अगर प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं हो सकता है कि वो जानते हैं कि मैं इस वक्त किसी और किसी, मैं अपने स्वयंसेवी संस्थाओं में ही काम कर रही हूँ इस वक्त। आपको मालूम होगा मेरी दो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं 30 साल पुरानी, एक है नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और दूसरी है इंडिया विजन फाउंडेशन, दोनों ही अपने समय के अनुसार बनी, जरूरत के अनुसार बनी, इनकी कहानी आप वेबसाइट से देख लेना। लेकिन
तो मैंने सोचा मुझे बुलाएंगे, किसी कमेटी के मेंबर बन जाओ, किसी ये कमीशन के मेंबर बन जाओ। मैं उस वक्त उस मूड में नहीं थी कि मैं किसी दफ्तरी कामों में जाऊं 9 to 5। आई वॉज नाउ फ्री बर्ड। मैं ट्रैवल करती थी, लिखती थी, पढ़ती थी, कनेक्ट करती थी, ट्रेनिंग करती थी, टीचिंग करती थी, तो मैं बहुत कुछ करती थी, मेडिटेशन भी करती थी। सो मैंने सोच लिया कि अगर मुझे प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे तो कैसे कहूंगी ना। लेकिन बात अलग हुई। उन्होंने मुझे बोला जब मैं मिली उनको कि किरण तुम लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी जाना चाहोगी। मैं हैरान हो गई क्योंकि मुझे पहली बार ही मेरे करियर में मेरे से किसी ने पूछा कि तुम वहां जाना चाहती हो। तो मैंने कहा ये तो कुदरती आवाज आई है। तो मैंने कहा जरूर सर, मैं सेवा जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे अपने में एक बहुत पूरा विश्वास है। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी आती है, मुझे मैं करना पसंद करती हूँ, इसलिए आती है क्योंकि मैं पसंद करती हूँ। मैं सीखने को हमेशा तैयार हूँ, सुनने को तैयार हूँ, देखने को तैयार हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी बिना पढ़े मैं समझी थी कि लीडरशिप का पहला सबक ये होता है, देखो, सुनो और जाकर मौके को भी समझो, और देन सोचो और सब और रिसर्च करो, और फिर रिपोर्ट ही नहीं सिर्फ मांगो लेकिन कुछ अनोखा करके सॉल्यूशंस लाओ। सो आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आई लाइक सॉल्विंग। सो मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत थी है, तो मुझे पहला कहा कि तुम जाओ, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि वहां जाकर पैसे का ध्यान बहुत रखना किरण जी। मैंने कहा ये मेरा पहला चैप्टर है मेरी बुक का, इट्स ऑल फियरलेस गवर्नेंस का पहला चैप्टर है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे क्या कहा, क्या बात की, उन्होंने कहा किरण जाके पैसे का ध्यान रखना। अब मैं दिमाग में घूमता रहा कि उन्होंने मुझे पैसे का ध्यान लेके क्यों कहा, विच मीन्स देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग देयर। सो पैसे का ध्यान रखना मीन्स कहीं ना कहीं किसी का पैसा चोरी हो रहा है और किसी गलत जगह जा रहा है। तो मैं और मेरी फ्रेंड डॉक्टर अमृता बहल, हम दोनों जने मिलके उस दिन फ्लाइट पे गए। सेकंड पोर्शन जो मैं स्टेप आपको लीडरशिप का दे रही हूं वो ये कि मुझे जब मुझे कहा गया, मैं इंडिगो की फ्लाइट से गई, मैंने कोई बिजनेस क्लास नहीं ली, मैंने अपना मिनिमम लगेज लिया, और दोनों मेरी फ्रेंड मैं और अमृता जब प्लेन में जा रहे थे इंडिगो में, तो मैंने सोच लिया कि आज मिशन स्टेटमेंट हम क्या लेके जा रहे हैं, मेरा पर्पस क्या है। सो सेकंड क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप इज पर्पस, व्हाट इज द पर्पस फॉर व्हिच आई एम गोइंग देयर। तो मैंने सोचा कि वो पैसे की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जरूर बहुत करप्शन होती होगी या पैसा डाइवर्ट हो रहा होगा, आओ ऐसा कुछ ऐसे काम करें जिसमें सबकी प्रॉस्पेरिटी हो, सबकी प्रॉस्पेरिटी हो। तो मैंने उसमें मिशन स्टेटमेंट वर्ड ढूंढा, प्रॉस्परस पुडुचेरी। तो प्रॉस्परस पुडुचेरी मिशन स्टेटमेंट तीसरा। अब ये मेरे मन में आ गया, नाउ आई हैड अ पर्पस। माय पर्पस, जैसे इंदिरा नूई ने मैं अपनी बुक में बताया और कहा, देयर वाज परफॉर्मेंस विद पर्पस, सो डिड आई हैव अ परफॉर्मेंस विद पर्पस। एंड माय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पोजीशन वाज आई विल मेक श्योर मैं जो भी करूं वो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्परस पुडुचेरी बने, हर एक की प्रॉस्पेरिटी में आए, जिसमें कोई न्याय नहीं, अन्याय नहीं, न्याय हो, और जो भी पैसा का सरकारी पैसा खर्चा जाए सबका भला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं किसी को जानती नहीं थी, आई एम नाउ कमिंग टू द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। ये मैं कुछ बना के नहीं गई थी, मैंने सिर्फ मिशन स्टेटमेंट किया। उसके बाद मेरी ओथ सेरेमनी हुई। ओथ सेरेमनी से पहले नाउ आई स्टार्टेड टू डू लर्निंग, सो आई स्टार्टेड टू प्रायर प्रेपरेशन। मैंने समय नहीं बर्बाद किया, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर इन एडवांस। जब मुझे एक हफ्ता ज्वाइनिंग टाइम मिला तो मैंने पढ़ना शुरू करा, लोगों से सुनना समझे समझना शुरू करे कि प्रॉस्परस पांडिचेरी में चैलेंजेस क्या क्या है। तो चैलेंजेस एंड द मिशन स्टेटमेंट, लेकिन मैं वहां जानती किसी को नहीं थी, मुझे तमिल भी नहीं आती थी, और वहां तकरीबन 99% ऑफिसर्स आर फ्रॉम द साउथ, दे नो द लैंग्वेज। देर आर जस्ट 0.1% द ऑफिसर्स, फ्यू ऑफिसर्स ऑफ द IAS एंड द IPS हु आर फ्रॉम द नॉर्थ, बस दैट्स ऑल। अब मैं जानू कैसे? नाउ दैट्स अनदर स्टेप ऑफ लीडरशिप। व्हाट आई डिड वाज आई डिड अ SWOT एनालिसिस। मैंने एक ऑफिसर्स को इकट्ठा किया एंड आई रिक्वेस्टेड देम, आई मेट देम, आई ग्रीटेड देम, आई सेड आई लुक फॉरवर्ड टू, मैं आपको मिलना पसंद करता, मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस पोजिशन में, मुझे प्रधानमंत्री जी ने विश्वास से भेजा। मैं आप ये रो कागज, प्लीज राइट योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो उन्होंने बड़ी इज्जत से लिख दिया। वंस दे रोट दैट, वो मैंने कलेक्ट किया,
उसको मैंने एनालाइज किया और अब मेरी ओथ सेरेमनी नेक्स्ट डे थी. सो अब मेरे पास दो चीजें आ गई. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड अ परफॉर्मेंस विद पर्पस, आई हैड प्रॉस्परस पुडुचेरी. सेकंड थिंग आई डिड अ स्वॉट एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स अलोंग साइड मैं पहले प्रिपरेशन करती गई. जब मैंने ओथ सेरेमनी ली तो मुझे कहा गया कि मैडम ओथ सेरेमनी सिर्फ ओथ ली जाती है तो बोला नहीं जाता, देयर इज नो स्पीच. आई सेड नहीं, मैं इसमें स्पीच दूंगी, मैं पब्लिक अपना अकाउंट खोलूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक आई एम इंट्रोड्यूस्ड टू द पीपल ऑफ पुडुचेरी फॉर द फर्स्ट टाइम. आई वॉन्ट पॉन्डिचेरी टू नो कि उनकी एलजी क्या करेगी, उसकी एलजी की फिलॉसफी क्या है, उसका माइंड क्या है, अपेक्षा क्या है. तो उन्होंने कहा नहीं मैम, देयर इज नो स्पीकिंग आफ्टर ओथ सेरेमनी. आई सेड डजंट मैटर. अनदर थिंग, आई ब्रोक अ कन्वेंशन फॉर द लार्जर गुड, क्योंकि मुझे एक मैसेज देना था कि उस दिन मुझे पता था कि अगले दिन अखबार में ओथ सेरेमनी की फोटो तो जरूर आएगी, लेकिन ओथ सेरेमनी के साथ साथ ये भी आएगा कि पुडुचेरी एलजी ने कहा क्या. मैंने इनको एक टी मंत्र दिया, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर एनी लीडर इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. मंत्र क्या दिया? टी. टी का मतलब ट्रस्ट, एम्पावरमेंट एंड अलाइनमेंट एंड यू कैन कॉल इट अकाउंटेबिलिटी. सो मैंने जब टी का मंत्र दिया, लुक टुडे आई वॉन्ट टू ऑफर एक मंत्र टू पीपल ऑफ पुडुचेरी जिसका मकसद होगा प्रॉस्परस पुडुचेरी. सो प्रॉस्परस पुडुचेरी एक मंत्र बन गया, लेकिन उसको पाएंगे कैसे? सो नाउ आई गिव देम द स्ट्रेटजी, strategy and methodology and the roadmap. And the roadmap was, मैं मुझे आप विश्वास कर सकते हैं. I assure you, you can trust me. So what am I telling? I'm telling the people, मैं विश्वसनीय हूँ. That means I'm committing to myself कि मैं Pondicherry में जो आई हूँ, मैं विश्वास से काम करूँगी. लेकिन मैं आपसे भी विश्वास मांगती हूँ. So before I say मुझे आपका विश्वास चाहिए, मैंने ये announce किया, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप है. अगर आप किताबें पढ़ें, जो कि मैं खूब आई लव लीडिंग लीडरशिप, आई राइट लीडरशिप, आई प्रैक्टिस लीडरशिप. तो मैंने पहले बोला आई कमिट कि आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, किसी से गलत नहीं होने दूंगी, मेरे नॉलेज में जो आएगा मैं उसको 100% ठीक करूंगी. तो मैं आपको कमिट करती हूं, आई विल रिमेन ट्रस्टवर्दी. लेकिन मुझे आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे अपना विश्वास, आप भी अपना अपने मुझे विश्वास दीजिए और विश्वास से आप काम करिए, बेफिक्र होके करिए, ताकि और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आइए, मैं आपको सुनने को तैयार हूं. ट्रस्ट. देन कम्स एम्पावरमेंट, द टी. आई सेड मैं आपको एम्पावर करूंगी क्योंकि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको ट्रेन करूंगी जहां जहां जरूरत है, जो कमी होगी उसको दूर करूंगी. को मैं एम्पावर करूंगी आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स को. मुझे पता चल चुका था कि वहां ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है, बिकॉज आई यूज माय जॉइनिंग टाइम टू अंडरस्टैंड सिस्टम्स हैं क्या, क्योंकि ऐसे सिस्टम्स मैं ऑलरेडी अपना चुकी थी एज सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर तजिंद्र खन्ना. जब दिल्ली के गवर्नर थे तो मैं वहां उनके साथ स्पेशल सेक्रेटरी थी. मैं जानती थी कि गवर्नर का काम कैसा होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम कितना कितना अहमियत रखता है. और उस वक्त भी मैं लोगों की बातें सुनती होती थी एज स्पेशल सेक्रेटरी. तो मैंने कहा आई विल एम्पावर यू बाय रिमूविंग एंड पुटिंग इन सिस्टम्स, गवर्नर रिड्रेसल सिस्टम्स एंड ओपनिंग अप द सिस्टम. आई विल एम्पावर यू, आई विल ट्रेन यू, एटसेट्रा. सो विश्वास रखो, आई एम हियर टू एम्पावर यू. मैं तो एम्पावर थी, लेकिन आपको मैं एम्पावर करने आई. उसके बाद तीसरा चीज था अलाइनमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी ये था कि आप भी जवाब दें, मैं भी जवाब दें. अगर मैं कोई निर्णय गलत लूंगी, मैं उसकी उसकी जिम्मेवारी लूंगी, लेकिन आप भी अकाउंटेबल रहें, आप कानून की रिस्पेक्ट करें, रूल्स के अनुसार चलें और सिस्टम और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें. सो टी कॉन्सेप्ट वाज गिवन द फर्स्ट डे. देन केम द प्रॉस्परस पुडुचेरी. नाउ स्वॉट एनालिसिस, अकाउंटेबिलिटी एंड द मंत्र, दैट सेट द बॉल रोलिंग. अब मैंने ये कह दिया, अब मैं इंप्लीमेंट कैसे करूंगी एज अ लीडर. ना उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए I took the following steps, which is very, very important. And I urge you, it's all very well explained in Fearless Governance. And it also has a QR code. ये शायद पहली बुक है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं और आप फील भी कर सकते हैं, क्योंकि और पिक्चर्स के साथ भी. It's all full of pictures as well. It speaks volumes. So with the QR code, you can see snippets of the videos also. So whatever I'm saying,
It has QR code where if I don't want to expand more, it has graphics, it has blogs, it has orders, it has news clips, and it has a small little videos, which I used to take and my photographer used to take on their own videogram. So that team which we put in together, credit goes to my OSD Amrita Behl, who went along with me. So jaate humne ek choti si team banayi thi taki hum log sharing kar sake, record kar sake, documentation kar sake. So jaise ye maine bantna shuru kar diya, the tea concept, etc. I now start to live up to it. First thing my friends I did was I had an open toll-free number. आप कोई इस फोन पे फोन करें, आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्रिमिनलिटी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, कोई शिकायत है, इस पर दे. Once I started to open up the system and said this is empowerment. See, what I said empowerment means, I'm empowering the people to connect with me fearlessly. मुझे धड़ाधड़ मैसेजेस आने शुरू हो गए. लोग नाम नहीं बता रहे थे, लेकिन हम किसी के पीछे नहीं. That information was enough for me. That compelled me and I immediately opened the Raj Nivas. I needed to meet people because मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर लोग कोई मिलता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई किसी को देखता नहीं. सारे जने अपने अपने आइवरी टावर में बैठे. तो मैंने राज निवास को खोला और राज निवास में टाइम फिक्स किया. ये तू अब एक इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी है. लीडर मस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर और जो जो जुम्मेवार है वो एक्सेसिबल है. इन द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल गिव यू अ लिटिल समरी ऑफ फाइव की पॉइंट्स मेरे तक निकला जो अपने एलजीशिप में जो मैंने बुक में पेज इफैक्ट इफ यू हैव इट गो बैक टू दिस चैप्टर ऑफ द बुक 57th चैप्टर ऑफ द बुक कॉल्ड समिंग अप वेयर आई रिटन दी ये मेरी कौन सी क्वालिटीज हैं. माफ करना थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बीच में आ जाती है, लेकिन मैं ये बताना चाहती कि एंड में मैंने समरी दी, तो आप उस समरी को जरूर पढ़ना. एंड में मैं आपको वही पॉइंट दूंगी. सो वो जो ओपन हाउस किया, ग्रीवेंस एड्रेसिंग सिस्टम किया, और कोई भी टोकन लेके मुझे मंडे से थर्सडे या फ्राइडे मुझे मिलने आ सकते थे. सो एज एन एलजी मैं एक बड़े डेस्क के पीछे खड़ी होती थी, दूसरा कोई आता था मिलता था, मैं डेस्क पे खड़ी होती थी, इधर खड़ी और ये डेस्क, उधर वो खड़े होते थे. मैं उनकी कागज और मेरे साथ मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी जो तमिल जानता था मेरे लिए हेल्प करता था ट्रांसलेट करने के लिए, तो हम उनकी बात सुनते थे. आप हैरान होंगे, महीनों भर कई कई लाइन लग रही थी कोई लोगों को, आम व्यक्ति को सुनता है. तो प्रॉस्परस पुडुचेरी इन इम्प्लीमेंटेशन, एम्पावरिंग इन ओपन हाउस, एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी. शिकायत दो, अब मेरी जिम्मेवारी. जब आप मुझे शिकायत दोगे तो मैं कुछ सो थोड़ी जाती, मैं सो सकती नहीं, बल्कि तो आप मेरी नींद हट गई, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी मैं चैन से बैठ कैसे सकती हूँ. लेकिन ये क्या हुआ, इट एम्पावर्ड ऑल ऑफिसर्स, क्योंकि अब ये शिकायतें उनको देने लगी और मैं उनको ट्रेन करने लगी, उनको मिलने लगी, उनकी प्रेजेंटेशंस लेने लगी, उनको समझाने लगी, उनको ग्रूम करने लगी, उनके साथ मीटिंग में राउंड्स लेने लगी. अब मैंने ये भी देखा कि कागजी काम नहीं बनेगा. स्पीड इज ऑफ एसेंस फॉर अ लीड. लीडर के लिए स्पीड बहुत जरूरी है. आपने अनाउंसमेंट कर दिया, खोल दिया, लेकिन प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही जल्दी से, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए अगर आपने विश्वास को रखना है तो आपको हर काम कागजी से हटके, कागज तो चलेगा ही, कागज तो चलेगा, आईटी चलेगा, ईमेल चलेगी, लेकिन देखा क्या. अगर आपने कोई ऐसे रिपोर्ट भेज दी और रिपोर्ट में तो बहुत कुछ कम मिलता है. मैंने ये देखा है कि एज ए लीडर ऑप्शन टू सी द प्रॉब्लम, अपने ग्राउंड पे प्रॉब्लम देखना बहुत जरूरी. आपको पता है सबसे ज्यादा परिवर्तन मेरे काम में इसलिए आया कि हर शनिवार से इतवार मैं वहां पौने पांच साल रही. पौने पांच साल में कोई शनिवार कोई इतवार सुबह 6 बजे मैंने मिस नहीं किया. मैं उन जगह पर जाती गई जहां जहां मुझे देखना जरूरी था, जहां मैंने देखा कि सिर्फ कागजी काम से नहीं होगा. और वाकई में अगर कागजी काम में रिपोर्ट मांगती तो वो 5% भी ना होता. जो मैं देखती तो वो पता चल जाता कि ये क्या कर रहे हैं, हम क्या धोखे कर रहे हैं लोगों के साथ, क्या पब्लिक सर्विस है, अफसर कहाँ है, क्यों सोए हुए. सो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने उदाहरण दिया. मैंने ये नहीं कहा तुम उठ के जाओ, आई डिडंट से आप जाओ, मैं कहती थी चलो चले, चलो चले. सो सुबह 6 बजे चलो चले,
जो भी एरिया हमने सिलेक्ट किया ओपन हाउस से या ग्रीवेंसेस से या ईमेल से या मेरे व्हाट्सएप से या मुझे किसी ने मिलकर बताया, वो सिलेक्टिवली सैटरडे और संडे मॉर्निंग 6 बजे। आप पूछेंगे 6 बजे क्यों? क्योंकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, जब एलजी ड्राइव करते हैं तो ट्रैफिक की इनकन्वीनियंस हो ना हो। हम सुबह कई बार साइकिल पे भी जाते थे, लोगों के जुड़ने, लोगों से मिलने, आम व्यक्ति के साथ कहने कि हम आपके साथ हैं। सायरन मैंने अपनी गाड़ी से हटवा दिया था, कोई सायरन नहीं बजता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर भी अपनी पब्लिक के साथ एक जना एक बस के चला जाए। तो जब सैटरडे संडे में ओपन हाउस ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जाकर मौके पर देखना क्या परिवर्तन आना शुरू हुआ। लेकिन साधन कहाँ है? साधन नहीं है। अगर पैसा है तो बर्बाद हो रहा है, कहीं और कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है। सो बजट को संभालना बड़ा जरूरी था। याद है मैंने आपको शुरू में बोला था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा वहां पैसे का ध्यान रखना। वाकई में पैसा चोरी हो रहा था, पैसा गलत डायरेक्शन पे जा रहा था, पैसा फालतू में कॉन्ट्रैक्टिंग में जा रहा था, नॉमिनेशन पे जा रहा था। जब हम राइस के लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो कि आदेश था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेरे साथ पॉलिटिकल लड़ाई हुई चीफ मिनिस्टर और इनकी कि क्यों करते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर, हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम चावल आंध्रा से लाएंगे, प्लाना से लाएंगे। मैंने कहा क्यों, पुडुचेरी में मार्केट नहीं है, मार्केट में खरीदो, आप इनको डायरेक्ट ट्रांसफर करो, जब दिल करे तब ये चावल ले, ना कि अभी क्यों ले, लेके रखे रखे ताकि चूहे खा जाए। यू गिव देम, उनको पैसा दो, अपनी मर्जी से वो खाएं अपना चावल खरीदें। तो एक ये कचहरी तक मामला गया, ये इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट तक उन्होंने चैलेंज किया, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमने मिलके इस चैलेंजेस को जीता लीगली। सो एक तरफ प्रॉब्लम, एक तरफ सॉल्यूशन, एक तरफ इनकी प्रॉब्लम के को इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं कर सकते और कॉन्ट्रैक्टर का पैसा 3 गुना, और डायरेक्ट ट्रांसफर करने से उनको अपनी लो कॉस्ट और इकोनॉमी, हमारी पुडुचेरी इकोनॉमी में भी फायदे हुए। फिर उसके बाद मैंने और तमाशा देखा, मेडिकल सीट्स में तो बेहतर था, लूट थी। उसमें क्या हुआ, वो भी ओपन हाउस से आया, वो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल से आया, वो भी रेड मारी, जाके रेड मारी तो देखा कि पांडिचेरी की सीटें उधर जा रही है दूसरी जगह, उससे पैसे खा लिए। एक दिन रह गया जब सारा को अंडू किया, इनको चुनौती दी, और उसके पीछे उनके मंत्री थे, उनके उस वक्त के टाइम के हेल्थ मिनिस्टर। तो आप देख रहे हो एक तरफ, सो अनदर पॉइंट ऑफ लीडरशिप, मैं कंप्लेन नहीं कर रही। जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब आप सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो याद रखना वेस्टेड इंटरेस्ट आपके लिए हर टाइम रोड़ा उठकाएंगे। चॉइस आपके पास है, आप गिव अप करें, गिव इन करें, या खड़े रहें, हिम्मत से खड़े रहें। हम लोग अपनी, और मैंने टीम बिल्डिंग बहुत जबरदस्त की थी, इसका श्रेय मेरे सारे काम का टीम बिल्डिंग, टीम राजनिवास, इसका भी चैप्टर है कि टीम राजनिवास पे हम लोग मिलके काम करते थे। 2.5 लोग थे सिर्फ, 4-5 की गिनती के टीम थी राजनिवास, लेकिन एक एक व्यक्ति एक पिलर था। एक दूसरे पर विश्वास करते थे और एक दूसरे के साथ मिलके काम करते थे, आनंद भी लेते थे। जब राजनिवास भी खुल गया, टीम बिल्डिंग भी शुरू हो चुकी, मैंने बोला था कि एम्पावरमेंट करेंगे, सो ट्रस्टिंग भी हो गया, एम्पावरिंग भी हो रहा था, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही थी। सो उससे क्या हुआ, लोगों का विश्वास हम जीते गए। मैंने उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो जो हम काम करते थे हम पब्लिक को बताते थे। हमारी सोशल मीडिया टीम जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन टीम। जो हमने किया, यू मस्ट कम्युनिकेट। अकाउंटेबिलिटी तब बढ़ती है जब आप कम्युनिकेट करें। तो जब कम्युनिकेट करती रही, लोगों को पता, एक तरफ पॉलिटिकल क्लासेस उनको गुमराह करते रहे, एक तरफ हमारी सोशल मीडिया टीम उनको बताती रही। सो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता रहा कि किसकी बात माने, ये जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी बात माने, या ये जो एलजी की टीम है वो उसकी बात माने। चॉइस लोगों की थी। अंत में आप हैरान होंगे कि जब इनकी असेंबली इलेक्शन हुई, इनमें से कोई भी जीत के नहीं आया, ये सभी के सभी हार गए, क्योंकि आम व्यक्ति को मालूम था झूठ कौन बोल रहा है। ये 3 चैप्टर्स मेरे बुक गवर्नेंस में ये है, ये स्टेमिना की बात है। यहां पर आती है आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी स्टेमिना और आपकी इंड्योरेंस और आपकी परसिवियरेंस। ये लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके पास स्टेमिना नहीं, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, वो कैसे लीड करेगा और ऐसी चुनौतियों को लोग। इसलिए ये लेकर आना होता है। जब आप काम पर आते हैं, आप एक प्रोफेशनल नहीं आए सिर्फ, आप एज अ पर्सन आते हैं। तो आप एज अ पर्सन
परसिवियरेंस लेके आते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी लेते आते हैं, अपने मूल्य वैल्यू सिस्टम भी लेके आते हैं, आप सब कुछ लेके आते हैं, एज अ पर्सन आते हैं। आप दुखी हैं कि खुशी हैं, आप तंदुरुस्त हैं या बीमार हैं, आपके पास स्टेमिना है या कमजोर है, ये सब कुछ आप लेके आते हैं। देयरफॉर लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फिटनेस। ये मेरे पास भगवान की कृपा से बहुत थी, क्योंकि ये इसी पर तो मेरी पुलिसिंग थी, और यही पुलिसिंग क्योंकि मैं काम को एंजॉय करती थी, ये हर दिन बढ़ती थी। मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करती थी, सुबह ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मुझे रास्ता दिखाते रहो। मेरे से बहुत अच्छे मुझे आइडियाज आते थे मॉर्निंग मेडिटेशन में। मैं मॉर्निंग शुरू ही करती थी व्हाट्सएप ग्रुप के मॉर्निंग न्यूट्रिशन से। मैं अपनी सारी टीम को एक अच्छा मैसेज देती थी ताकि वो शुरुआत करे शुभ विचारों से। तो ये मेरा पहली बार ही व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया ताकि जुड़े, अलाइनमेंट अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी थी। ये पहले कोई नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी कोई नहीं थी यूज कर रहा था। कैन यू बिलीव इट, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पॉलिटिशियन उन लोगों के, उन दोनों के लोगों को नहीं सूट करता था सबको जोड़ना, सबको मिलके काम कराना, क्योंकि यूनिटी स्ट्रेंथ। तो अगर ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रेंथ हो गई तो इनकी इनकी कैसे दुकान चलेगी? सो इसलिए वो तोड़ते गए व्हाट्सएप ग्रुप को, तोड़ देना, मैंने बनाना ये तोड़ देना, मैंने बनाना तोड़ देना। लेकिन मैंने हारा नहीं, क्योंकि लोग मेरे से जुड़े रहे, ब्यूरोक्रेट जुड़े रहे, सिविल सर्वेंट जुड़े रहे, मॉर्निंग राउंड्स में मेरे साथ जुड़े रहे, ग्रीवेंसेस मुझे देते रहे, इंफॉर्मेशन मुझे ईमेल में देते रहे, वो मुझे मुझे मेंटरिंग भी करते थे, मुझे गाइड भी करते थे, मुझे मेरे भले बुरे के मैडम को ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, न्यूज़पेपर में भी लेटर्स टू द एडिटर्स आती थी। सो ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। सो मैंने ये कहना आपको कि मुझे अथॉरिटी तो मिल गई थी, एलजी शिप के पास लीगल पावर्स पूर्ण थी। मैंने इनफैक्ट पहली मीटिंग अपनी लॉ सेक्रेटरी से की। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लीडर है, अपने काम को जानो, अपने काम को समझो, अपने काम की पावर्स और रूल्स को समझो। मैंने कानून पढ़ा, यूनियन टेरिटरी एक्ट पढ़ा, फाइनेंशियल रूल्स पढ़े, मैंने बिजनेस रूल्स पढ़े, पहले जाते मैंने ये पढ़े। जब मैंने ये पढ़ लिया और जब इन्होंने अंगड़ तंगड़ करना शुरू किया, मुझे पता था मेरा कानून क्या है, मुझे पता था मेरा रूल क्या है, मुझे पता था कि मेरी पावर्स क्या है। सो इसलिए वंस आई न्यू कि ये मेरी पावर है, ये मुझे गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपनी दायरे में रह के अपनी पावर्स को यूज करती हूँ। इन्होंने हर पावर को चैलेंज किया, मद्रास हाई कोर्ट में, दूसरे कोर्ट्स में, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया हमारी पावर्स। इसका इनफैक्ट मेरी लेगेसी टू पुडुचेरी ये है कि अब एलजी की जिम्मेवारियां, एलजी की जो पावर्स एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कंफर्म हो रही है बार बार थ्रू द जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो मॉर्निंग न्यूट्रिशन, कानून को जानना, सिस्टम्स को खोलना, सबको सुनने की आदत और सेलिब्रेट भी करना, राजनिवास एक पीपल निवास बन गया। मैंने आपको कहा था ना एम्पावरिंग, सो एम्पावरमेंट हमारा राज बनावास का लॉन तो बच्चों का सिनेमा हॉल बन गया था। हम लॉन्स में थर्सडे के थर्सडे बच्चों का सिनेमा करते थे ताकि वो बच्चे खूब आनंद ले, तो वो भी स्पॉन्सर्ड था। वाटर में बड़ी प्रॉब्लम थी, तब मैंने रिसोर्सेस को बहुत जोड़ा, कॉर्पोरेट्स को जोड़ा, ऐसे ऐसे स्कीम्स बनाई जिसमें सरकार पैसा नहीं है लेकिन प्यासे मत लोग रहे, लोगों के कुएं में पानी हो, खेतों में वेल्स में पानी हो, टैंक्स में पॉन्ड्स क्लीन हो, उसके लिए बजट की मैंने वेट नहीं की। नाउ बीइंग रिसोर्सफुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर है। सो मैं आपको ये कहूंगी कि उससे क्या हुआ, एक थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर दूं तो, कि डोनर्स को मैंने जोड़ा जो कि पानी बहुत यूज कर रहे थे, और जब पानी वो यूज कर रहे थे तो मैंने उनको बोला क्योंकि आप पानी यूज कर रहे हो, आपकी जिम्मेवारी है इन इरिगेशन कनाल्स को वाटर रिच बनाना, आप मशीन लाओ, खुद पैसा खर्चा करो, इसको डीसिल्ट करो ताकि रेन वाटर इसमें जाए और वाटर टेबल बने। आपको खुशी होगी बात की, आज भी पुडुचेरी सूखा नहीं है। पुडुचेरी के पास 7 meters वाटर लेवल, उसको मैं इंप्रूव करके आई सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग वाटर रिच, हम लोग डोनर्स को जोड़ सके। डोनर्स ने खर्चा किया, सरकार का कोई खर्चा नहीं किया। ये मॉडल्स, ये नेशनली मॉडल्स, नेशनल मॉडल्स है, जैसे कंपनीज लाइक लार्सन एंड टूब्रोस, एमआरएफ, द वर्लपूल्स, द ल्यूकास और इंजीनियरिंग कंपनीज, दे कैन यूज दिस मशीनरी टू क्लीन अप टैंक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ताकि
जो बरसात आए तो बरसात का पानी वहां पर सीधा जमीन में जाए और लोगों के कुएं में टैब्स वगैरह में हो. सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई थॉट आई वुड शेयर विद यू अ स्टोरी. लेकिन आप समझ लें कि मैंने आपको जान के विजुअलाइजेशन देने की कोशिश की ताकि मेरा ये चैप्टर, मेरा ये जो बड़ी शेयरिंग है, ये विजुअलाइज रहे ना कि थियोरेटिकल, ताकि इसी में से आप थ्योरी निकालें. लेकिन इट्स ट्रस्टिंग, इट्स एम्पावरिंग एंड इट्स अलाइनमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी. और जो आपको पोजिशन है ये परफॉर्मेंस विद पर्पज होनी चाहिए. मेरी ये समिंग अप है. अब मैं आपके क्वेश्चन के इंतजार करती. थैंक यू सो मच किरण मैम. जो आपने लेसन्स दिए हैं, आई थिंक ट्रूली फॉर अ लीडर, अगर हम इसमें से कुछ भी अपना सकें, आई थिंक हम अपनी पर्सनल लाइफ में एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी कुछ लीडरशिप के तौर पे काफी कुछ सीख सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं. जैसे आपने समिंग अप की, मैंने कुछ अपने पॉइंट्स लिखे थे जो आपसे मैंने सीखे हैं, क्योंकि मैं भी कुछ टीम्स मैनेज करती हूँ यहाँ पे बड़ा बिजनेस में. तो आपने जो ट्री बनाया मेरे लिए, एक सोल्यूशन ओरिएंटेशन से शुरू होके पर्पस ड्रिवन होना, उसके बाद एक रोड मैप होना जो लोगों को एम्पावर करे, आप पे ट्रस्ट रखे, अकाउंटेबिलिटी हो, आप एक्सेसिबल रहें लोगों को, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और बहुत रिसोर्सफुल रहें, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद एक लीडर के अंदर बहुत लीडर के लिए और उसके जो आसपास लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकती है. और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मैम आप पे, और आपको काफी लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि यू आर देयर आइडल एंड वो आपको फॉलो करते हैं एंड दे आर सो हैप्पी टू हियर यू. तो ये इतने सारे पहले प्रेजिंग वाले कॉमेंट्स थे जो मैं सोचा मैं फटाफट आपको बोल देती हूँ. एंड क्वेश्चन में मैम एक क्वेश्चन आया था, किसी ने लिखा है कि हमेशा कोई एक फियर रहता है लाइफ में, एक डर रहता है, चाहे वो फियर ऑफ लूजिंग हो, फियर ऑफ फेलिंग हो, फियर किसी को पता चल जाए किसी चीज का, तो आपको किस चीज से डर लगता है? कि किसी से धोखा ना हो जाए. ऐसे ना हो किसी मन में कि मैं मैडम के पास गई, मेरी मैडम ने सुनवाई नहीं की और मेरा काम नहीं किया जान के किसी और की मदद करने के लिए. ये मेरे मन में हमेशा था कि मेरे पास कोई आया है विश्वास करके, और अगर मेरे पास मेरे पास उसका अधिकार है, कर्तव्य है, तो मैं उसकी नजरों में गिरू ना, मैं उसके विश्वास के काबिल बनी रहूं. आवाम अरबिंदा कुमार एक हैं जो देख रहे हैं ये लाइव सेशन, और वो आपसे जानना चाहते हैं कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस कैसे रखें, पर ये स्पेशली आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो इतनी बिजी रही है, तो आप ये बैलेंस कैसे रखते हैं? वेयर डू यू ड्रॉ लाइन? आप कट ऑफ कब करते हैं? नहीं, इसमें कोई कटिंग ऑफ नहीं है. जो आप कर रहे हैं, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली आपके साथ है, फैमिली से अलग नहीं है. अगर आपकी फैमिली भी आपकी अचीवमेंट की हिस्सेदार बनती है तो वो फैमिली जॉय भी क्रिएट करती है. इट्स अ शेयर्ड अचीवमेंट, ये कोई सेपरेटेड नहीं है. जब आपका आपको भगवान, आपको लोग पसंद करते हैं, आपको इज्जत और मान देते हैं, क्या फैमिली की प्राइड नहीं है? ये फैमिली प्राइड उसको ले, फैमिली भी, क्योंकि फैमिली की वजह से है. लेकिन फिर भी मैं फैमिली सपोर्ट, मेरी फैमिली बड़ी यूनाइटेड रही, मेरी फैमिली सपोर्टेड रही, और मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर्स, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, अपने तरीके से उन्होंने इसको एक्चुअली ओन किया. दे ओन्ड इट. तो वंस अ फैमिली, अगर फैमिली ओन करने लगे, फैमिली भी शेयर करने लगे, फैमिली भी उसमें खूब आनंद लेने लगे, तो अलग क्या है? बल्कि आप एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं. प्रॉब्लम आती तब ये कि जब कहे ये तो तुम्हारा काम, ये तो मेरा काम, तू मेरे लिए क्या किया? कुछ बटा हुआ नहीं है. जो मेरा, जो मेरे परिवार का, और जो मेरे परिवार का वो मेरा. सो जब आप इसको, जब आप बांट के जीते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं और एक दूसरे की खुशी का कारण बनते हैं, तब कोई डिविजन नहीं होती. सोहन जी पूछना चाहता है, वो बार बार विवेक सर की एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विवेक सर में बहुत एनर्जी, और वो ये भी जान रहे हैं कि आप हमेशा इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं? व्हाट ड्राइव्स यू? आपकी एनर्जी का राज क्या है? देखिए, तंदुरुस्ती भगवान के हाथ में है. आपका फर्ज बनता है कि आप वो कुछ ना गलत खाएं, ना कुछ यूजलेस सोचें, ना वो यूजलेस जगह जाएं, अपनी फिटनेस ठीक रखें, अपनी सोच पवित्र रखें, अपनी आदतें स्वच्छ रखें, और ईश्वर की कृपा हो. लुक,
गुड हेल्थ बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा होती है। आप सब कुछ ठीक करते भी कोविड आ जाता है, सब कुछ ठीक होते हुए भी कोविड का अटैक आ जाता है। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ मेरा, मैं ये कहूंगी मैं खाती ठीक हूं, मैं पहनती ठीक हूं, मैं जाती ठीक हूं, मैं फिटनेस रोज करती हूं, मेरी सोच स्वच्छ है, मैं स्वच्छता उसको गंदा नहीं होने देती, मैं कोई गलत जगह, मेरे कोई गलत दोस्त नहीं है, मेरी सारी चीजें स्वच्छ हैं। और ऊपर से ईश्वर की कृपा है। मैं यही कहूंगी कि जब तक उसकी कृपा रहेगी होगी ऊर्जा रहेगी, जब उसकी कृपा उठ गई ऊर्जा चली जाएगी, लेकिन जब तक ऊर्जा है हमारा काम है कर्मयोगी बने रहना, कर्म करते रहना। मैम काफी लोगों ने सवाल पूछा है, लखविंदर सिंह जी ने, सुमित मंडल ने, कि आप एक अच्छी एक एक्टिव गुड टीम कैसे डेवलप कर सकते हो एज ए लीडर, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? विश्वास, पहली बात है ट्रस्टिंग। अगर आप उन पर विश्वास कर सकते हैं तो उनको सिखा सकते हैं। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते तो फिर आप हमेशा ये देखते रहेंगे कि गड़बड़ तो नहीं कर ली इसने, गड़बड़ तो नहीं कर ली। आई थिंक पहली टीम बिल्डिंग का रूल है आर दे ट्रस्टवर्दी। अगर वो विश्वसनीय है, नहीं काम जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिखा सकते हैं। और सिखाने के बाद भी वो ट्रस्टवर्दी रहे तो ये टीम मेंबर बन जाते हैं। टीम ही मेंबर नहीं बनते, वो फैमिली का सदस्य बन जाते हैं। अपना सुख तो हम लोग फिर बांटते हैं। ये जो मेरी बुक का काम मैंने किया है फियरलेस गवर्नेंस, डू यू नो व्हाट, मेरी जो बुक टीम है ये सारे फर्स्ट लर्नर थे। ये जो बुक टीम हमने कोविड में एक साल बुक काम किया है, सारों ने ऑन द जॉब काम लर्न किया है। डिजाइनिंग इन्होंने की है, डिजाइनिंग इन्होंने की है, रिसर्च इन्होंने की है, एडिटिंग हम लोगों ने मिलकर की है, क्योंकि कोविड के टाइम पर हमारे पास कोई बार हेल्प नहीं थी, क्योंकि आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो हमने ये 2.5-3 लोगों ने मिलके इस बुक को लिखा। आप हैरान होंगे कि कैसे हमने ये बुक लिखी। एंड दे वर ऑल फर्स्ट लर्नर्स, एंड उन्होंने डिजाइनिंग भी सीखी, इन डिजाइन सीखी और सारे प्रोग्राम सीखे जितने जितने। तो मैं ये कहूंगी कि सिर्फ विश्वसनीय होना चाहिए, एंड दे शुड बी विलिंग टू लर्न। फिर वो टीम मेंबर है, फिर वो सीखते जाएंगे, फिर उसमें उस पर कोई कैप नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि क्रेडिट भी आप उनको दे दो, क्रेडिट भी दे, जैसे मैं इस वक्त अपनी क्रेडिट दे रही हूं। और मेरी बुक टीम का चैप्टर देखोगे, उस बुक टीम में सबको क्रेडिट गया है। मेरी बुक टीम इज ब्यूटीफुल, एंड देयर इज अ पेज एंड देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ देम। सो ये नहीं है कि सारा क्रेडिट मैंने लिया, जिसने जिसने जो काम किया वो बुक टीम में है। सो इफ यू सी दैट इज योर टीम, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। सो आई वुड से, और लेकिन अगर कोई काम बहुत जानता है लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जितनी जल्दी उनको निकाले टीम से बेटर है, क्योंकि उतना जल्दी वो धोखा करेंगे आपसे। सो धोखे से बचना है। आप अनाड़ी को सिखा सकते हो, लर्नर को सिखा सकते हो जो सीखने को तैयार है, लेकिन आप क्रुकेड आदमी को, धोखेबाज को, डिसऑनेस्ट को ईमानदार नहीं बना सकते। लेट हिम गो, यू कैन डू विदाउट हिम। मैम कुछ सिंस आप अपनी बुक फियरलेस गवर्नेंस की बात कर रहे हो, और यहाँ पे सबने वो नोट भी कर लिया है, वो ये भी पूछ रहे हैं कि कुछ और बुक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। अभिषेक ने पूछा है रॉक आर्या, अनूप, जो लीडरशिप पे हो, और आपकी पर्सनल फेवरेट क्या है? आप तो इतनी बुक्स पढ़ती हैं। मैं नेपोलियन हिल की बुक्स पढ़ती हूँ। आई थिंक थिंक एंड ग्रो रिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, इंपॉर्टेंट बुक फॉर एनीबॉडी इन बिजनेस, क्योंकि वो शुरू ही होता है इस पर्पज से, वो शुरू ही होता है इन्विजनिंग से, वो शुरू ही होता है इमेजिनेशन से, वो शुरू ही होता है। सो आई थिंक ऑल दीज क्वालिटीज जो है थिंक एंड ग्रो रिच में बहुत है, लेकिन बुक्स की बेशुमार ऑप्शंस हैं आपके पास, आर्टिकल्स बहुत हैं आजकल, यू हैव लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स, लॉट्स ऑफ यूट्यूब लेसन्स। तो आज कोई कमी नहीं है लीडरशिप सीखने में, बुक्स भी है, यूट्यूब भी है, आर्टिकल्स भी है, सोशल मीडिया टूल्स भी है, और बहुत सारी ऑप्शन है। मैं आर्टिकल्स को पढ़ती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में खासकर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल्स कोई नहीं मिस करती, फोर्ब्स के, INC के, ये आर्टिकल्स रिसर्च आर्टिकल्स हैं, खासकर हार्वर्ड बिजनेस के तो सारे रिसर्च पर आधारित होते हैं। मैम आदित्य शर्मा जानना चाहते हैं कि हाउ कैन वन बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कैसे बने, बिकॉज एज अ लीडर आपको बहुत सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तो ये जो इमोशंस हैं इसको हम कैसे अपने आप को एज अ स्ट्रेंथ यूज कर सके? इमोशन बुरी थोड़ी है, इमोशन में तो प्यार होता है, ये सारी इमोशनल कोशंट ही तो होती है,
जो आप में दया है, गिविंग है, जेनरोसिटी है, प्यार है, दूसरे की कदर करना, ये दीज आर ऑल इमोशंस. इमोशन इज नॉट बैड. तो हम लोग क्यों कहते बड़े इमोशनल, इमोशनल से रोना थोड़ी है, लेकिन रोना भी बुरा नहीं है. रोना भी अपने आप को हल्का करना है. तो आप अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो आप रो सकते हैं, रो रो लो, लेकिन रोते ही ना रहो. रोने के बाद क्या करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट. मेरे लिए इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं. इमोशनल एक्चुअली इज रियली द ह्यूमन साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग. जो इमोशनल व्यक्ति होता है उसमें ह्यूमैनिटी शायद ज्यादा होती है. लेकिन सिर्फ ये है कि नेगेटिविटी की तरफ ना जाए. तो मैम यही पे मनीष भी पूछ रहे हैं कि गुस्से को कैसे डील करें एज अ लीडर, बिकॉज बहुत बातों पे गुस्सा आता है जब लोग कुछ ठीक नहीं करते या कुछ समझते नहीं है, फर्स्ट टाइम राइट या सेकंड टाइम राइट नहीं होता, तो वो चीज जो एक है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए. गुस्सा भी बुरा नहीं होता है, लेकिन वो गुस्सा किस भाषा में बोला जाता है, दैट्स इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट गुस्सा जो है शायद दूसरे से ज्यादा काम करवाता है. क्योंकि अगर आपका गुस्सा सही है तो वो दूसरे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराता है. लेकिन गुस्सा एडुकेटिव होना चाहिए. गुस्सा भी करो लेकिन साथ में समझाओ भी. सिर्फ गुस्सा करके और चुप हो जाओ rather than गुस्सा कर साथ साथ समझाओ कि मैंने गुस्सा क्यों किया. वो गुस्सा आपकी एनर्जी है, लेकिन गुस्सा लेके उसके बाद उसको आप अपने आप को जलाओ वो गलत है. जो गुस्सा आया दूसरे पर बता दो ये तेरे पर तूने ये गलत किया और मैं गुस्से हूं, मैं तुझे नहीं बोलूंगी, लेकिन जब तक तू ठीक नहीं करेगी उसके बाद तू प्यार भी कर लो. सो उसका मतलब क्या हुआ, उसका भला भी हुआ आपका भी. लेकिन गुस्सा करते बोले आपने अपने आप को जलाया, नो डोंट बर्न योरसेल्फ, दैट इज बैड. लेकिन और भी तरीके, अगर आप नहीं दूसरे के से लिंक कर सकते तो गुस्सा को समझो, गुस्से को देखो, गुस्से को समझो और योगा करो, प्रैक्टिस करो, वॉक पे जाओ, म्यूजिक सुनो, पानी पियो, मेडिटेशन करो. ये बड़ी चीजें हैं, तरीके और भी हैं, सत्संग सुनो. मैम प्रियांशु पाठक पूछना चाहते हैं कि अक्सर क्या होता है वो कभी कभी एक चीज पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज हो रहते हैं कभी कभी, तो क्या होता है कि उस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि इज दिस बेस्ट फॉर मी या ये मेरे लिए ठीक नहीं है. तो फोकस एंड डिसीजन मेकिंग आर टू पॉइंट्स जहां पे काफी मुझे सवाल आए हैं कि हाउ टू बिल्ड फोकस एंड अपनी डिसीजन मेकिंग को कैसे और पावरफुल कर सकते हैं. तो फोकस तो तभी होगा ना जब आप अपने साथ समय बताएंगे. अगर आप अपने साथ अपने फ्रेंड नहीं बनेंगे तो फोकस कैसे होगा. अपना प्लान लगाओ, अपने दोस्त बनो, अपनी ऑटो टॉक करो, अपनी डायरी लिखो, अपना शेड्यूल बना के आदत डालो, पर्सनल डिसिप्लिन लाओ, ऐसे कैसे फोकस होगा. अगर ऐसे फोकस होता स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता. नो, इट इज नॉट स्विच ऑन, इट्स अ प्रैक्टिस. अटेंशन इज अ प्रैक्टिस, डिसिप्लिन इज अ प्रैक्टिस, फोकस मीन्स नथिंग एल्स. अटेंशन, फोकस और का मतलब क्या है, आपका अटेंशन, आपका ध्यान. फोकस यही तो है, ध्यान लगाना, ध्यान. और फिर डिसीजन मेकिंग में आपने पूछा क्वेश्चन, तो डिसीजन मेकिंग में भी अगर दोनों अट्रैक्टिव डिसीजंस हैं, तो अगर आपका अच्छा कोई रिश्तेदार या दोस्त या टीचर जिस पे आप विश्वास करते हो, डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की राय लेने में प्रॉब्लम नहीं है. टीचर के पास, अपने कॉन्फिडेंट के पास बात कर सकते हैं कि मेरे मुझे ये डायलेमा है, दोनों चीजें में बेटर क्या है तुम्हारे नजर में. लेकिन तुमको अपनी क्लैरिटी होने के लिए प्रोज एंड कॉन्स लिखो, पेपर पेंसिल लेके प्रोज एंड कॉन्स लिखो कि अगर मैं ये डिसीजन लूं तो इसके ये फायदे, ये डिसीजन लूं तो इसके ये फायदे, उसको क्रॉस करके देखो बैलेंस कहाँ है. लेकिन फिर भी सो दैट मीन्स सेल्फ टीचिंग एंड ऑल्सो टेकिंग हेल्प, ये हेल्पफुल रहता है. हम अभिषेक पूछ रहे कि आपने अपने जो लाइफ है और आपकी जो स्टोरीज हैं उससे बहुत करेज डिपिक्ट हुआ है, पर ये करेज सब नहीं कर पाते, सो हाउ टू डेवलप दिस करेज. जो फियर होता है फेलियर का, उसको कैसे फाइट करें, क्योंकि समटाइम्स इट्स इजियर, कहना कभी आसान होता है कि यू नो आप यू गेट अप एंड यू डोंट गिव अप, पर लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं दैट यू रियली फील डाउन एंड डिफीटेड. तो इस माइंडसेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे करेज और फियर को हम अपने लाइफ में दो एक एक्सट्रीम्स जो है ये इनको इसको हम अपना सकते हैं. इसीलिए छोटी उम्र में कंपटीशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. हम कहते हैं लड़की लड़कों को स्पोर्ट्स खेलना, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स, और कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में कभी आप जीतते हैं और कभी हारते हैं. मैं एशियन टेनिस चैंपियन रही थी, सो मैं 6 महीने तो मैं
ट्रैवल करती थी थर्ड क्लास डिपार्टमेंट्स कंपार्टमेंट्स में टेनिस खेलते खेलते, और कभी धक्का मार के अपनी जगह लेनी पड़ती थी हर चीज में। जब 14 साल 15 साल 16 साल करेज जो है ये आपके साथ ग्रो करता है, सडनली नहीं ये बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन या न्यूरोबोन का इंजेक्शन होता। आप रोज रोज डिसीजन लेते हैं, फैसले करते हैं, हिम्मत करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं, तब जाके करेज आता है रोज रोज। तो अगर आप छोटी उम्र में कंपेटिटिव रहे, स्पोर्ट्स खास कर खेले या कंपटीशन में आपने हिस्से लिए, इसी कंपटीशन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसीलिए स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, उसमें कॉम्पिटिशन डिबेट्स डेक्लेमेशन ड्रामा स्टेज पब्लिक स्पीकिंग, ये फ्राइट को छोटी उम्र में खत्म करना चाहिए, यूज करना चाहिए। सो स्टार्ट अर्ली, लेकिन अगर आपने वो समय गुमा दिया तो जब आपको और प्रोग्राम में टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो उनको यूज करो। आई थिंक कोई बार बार हमसे सवाल पूछ रहा था, मैं आपका नाम नहीं पढ़ा हूँ, कि स्ट्रेस और प्रेशर में अपने आप को कैसे हैंडल करें। आई थिंक मैम ने काफी पॉइंट्स में आगे भी समझाया है कि कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, इमोशन पे कैसे आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उनको दिखा भी सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग। तो ये आई थिंक क्वेश्चन मैम ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। मैम अमय पूछ रहे हैं कि आजकल जो लीडर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो ये चीज एक लीडर में कैसे आएगी, हाउ विल दे लर्न कि उनको ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है अगर उनको एक एक, एक वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट चाहिए अपने आसपास के मेंबर्स से और टीम मेंबर्स से। यू सी लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, इट्स अ पैशन। ये लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, ये लीडर जो आप बात कर रहे हैं दे आर इन पोजीशन, दे आर नॉट बाय पैशन। तो जो आप एक पोजीशन पे बैठा दिया लेकिन उसके बाद वो चरित्र नहीं है, उसके बाद चरित्र नहीं है, उस अब क्या सीखेगा वो? वो मैंने आपको बोला ना, व्हेन यू कम, अगर जब आप प्रोफेशन में जाते हैं तो आप अपने आप को लेके जाते हैं, आप एज अ पर्सन जाते हैं, फिर पर्सन एंड प्रोफेशन जुड़ता है। लेकिन पहले आप पर्सन है फिर आप प्रोफेशनल, जिस गद्दी पे आपको बैठा दिया गया, जिस अथॉरिटी पे आपको बैठा दिया गया आप एक पर्सन है। मैं किरण बेदी LG नहीं थी, लेकिन वो किरण बेदी एक रिटायर्ड DGP जिसको LG की कुर्सी पे बैठा दिया गया, तो वो एक पोजीशन थी, लेकिन उसके पोजीशन उस कुर्सी पे तो एक पर्सन बैठा, वो किरण बेदी। लेकिन किरण बेदी है कौन या व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो हिम्मत लेके आया, स्टैमिना लेके आया, मूल्यवान लेके आया, फैमिली सपोर्ट लेके आया, विश्वसनीय लेके आया, अपनी काबिलियत लेके आया, वो इसीलिए तो लोग ढूंढ ढूंढ के पोजीशन में लोग ढूंढते हैं। सो इसलिए याद रखना, लीडरशिप एक पोजीशन है, लेकिन आप कौन है उसको आप साबित करो जाके, वो आपकी परफॉर्मेंस बताएगी। तो आप लीडर नहीं है, आपकी पोजीशन लीडरशिप की है, आप नहीं है। अपने में फर्क समझना, आप लीडर नहीं है, पोजीशन लीडर है। नाम एक सवाल आया कि हाउ टू फाइट करप्शन एट वर्क प्लेस, आपने भी ये काफी देखा होगा अपने समय में, पर आज के समय में जैसे करप्शन है या कहते हैं पॉलिटिक्स है, आई थिंक मुझे लगता है ये ज्यादा पॉलिटिक्स की ओर जाना चाह रहे होंगे, कि पॉलिटिक्स को कैसे आप हैंडल करें एट द वर्क प्लेस, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में अब ये ऐसा है कि सिनोनिमस टू कॉर्पोरेट जगत हो गया है। पहले खुद अपने आप को दूर रखो इस चीज से, आप अपनी न्यूट्रलिटी रखो। आप ग्रुप ए और बी जिसमें नहीं विश्वास करते आप क्यों घुसते हो? आप पहले बात तो है, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो घुस जाओ, आपकी मर्जी, अपनी मर्जी, तो उसकी उतार चढ़ाव भी एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको नहीं पसंद तो घुसो मत, आप सबके आप सुनो वही जो सुनना है, अपनी बात समझदारी से बोलो ताकि आपको वो ग्रुप में बांटा ना जाए या अलाइन ना किया जाए। सो समझदारी अपनी, योर चॉइस टू बी इन पॉलिटिक्स और नॉट बी इन पॉलिटिक्स। मैम कुछ कहानी पूछना चाहते हैं लोग, जब आप अपने IPS के दौरान जब आप यहाँ पे तिहाड़ जेल में थे और जब आप प्रिजन रिफॉर्म्स कर रहे थे, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अगर आप एकाध या दो किस्से बताएं जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही उभर कर बाहर आई हो, और समथिंग दैट परहैप्स द ऑडियंस डजंट नो, मतलब उनको शायद वो आमतौर पर किस्से आपसे सुनाई नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला उभर के आई है, जब मैंने इनको टी मंत्र दिया, जब मैंने कहा मेरी सेक्रेटरी बोले मैडम ओथ टाइम पर स्पीच नहीं दी जाती, ऐसे मैं स्पीच दूंगी क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए कि उनके LG विश्वास किस चीज में करते हैं।
तो मैंने जब ट्रस्ट एम्पावरमेंट एंड अलाइनमेंट दिया, दैट वाज माय क्लियर लीडरशिप आई ब्रोक. सिमिलरली जब मैंने जो कई कई निर्णय लिए, जब मैंने राजनिवास को खोल दिया, मैडम सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाएगी. क्यों खोले कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रूल्स है आप फॉलो करो, तो सिक्योरिटी खोल दिया. सो मैम आप वीकेंड में जा रहे हो तो ये तो हायरार्की तोड़ देंगे, एलजी से साइकिल पे जा रहे तो एक एलजी इंसान नहीं. सो ऑल दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग, क्योंकि मैं उन्हीं स्टोरीज पर इस वक्त हूं जिस स्टोरीज की मैं ऑलरेडी दृश्य आपको दे चुकी हूं, ताकि आप उसे रिलेट कर सके. दिनेश जी जानना चाहते हैं मैम, गोल सेटिंग अप एक लाइफ में, जैसे आपने कहा पर्पस बहुत जरूरी है, वैसे ही बिजनेस में या अपने इवन एज अ स्टूडेंट आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है कि आप कैसे क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं. तो अगर आप इसको कोई टॉप थ्री या फर्स्ट थ्री स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग आप कुछ इस पे लाइट डाल सकें तो वो क्या होने चाहिए? नहीं, अपने आप से पूछो कि अब मैं इधर हूं किस लिए. जैसे जब मैं आईजी प्रिजन बन के गई थी, इसके लिए तो मैंने प्रॉस्परस पुडुचेरी बनाया. जब मैं आईजी प्रिजन बन के गई थी तो मेरी मकसद क्या था? वहां 10,000 कैदी थे, वहां रिसोर्सेस कुछ नहीं थे. सोचा गया कि चोच को बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला, या वहां मरेंगे तो इंक्वायरी बनाएंगे. मैंने क्या कहा था जाते ही, मैंने एक प्रिजन में कहा था, ये प्रिजन नहीं है, ये आश्रम है, ये आश्रम है. इसको हम आश्रम का नाम देने लग जाएंगे. आश्रम में जो होता है वो हर हिंदुस्तानी जानता है. आश्रम में सफाई होती है, पढ़ाई होती है, भक्ति होती है, एक दूसरे की सेवा होती है, राइट. कर वहां योग होता है, आरती होती है, प्रार्थना होती है. जब नाम दिया तो मैंने अपना गोल सेटिंग क्या बनाया, मैंने कहा नाम देने से. सो मच बिफोर मैं एलजी बन के आई, मैंने जब आईजी प्रिजन का बोला तब ये हम लोगों ने ये दिया कि आप आश्रम है. तो उसके बाद यही हुआ, 8 महीने के बाद जब पढ़ाई होने लग गई, वहां योगा होने लगा, मेडिटेशन होने लगा, पंचायतें अंदर खुल गई, एक दूसरे की सेवा भाव आने लग गई, और ब्रह्म कुमारी और मेरे और सारे लोग साथी आने लग गए, सत्संग होने लगा, प्रवचन होने लगा, ट्रेनिंग स्कूल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नेशनल ओपन स्कूल खुल गया, स्कूल स्किल्स डेवलपमेंट शुरू हो गई. सब खुद कहने लगे मैडम ये जेल नहीं है, ये तो आश्रम है. सो गोल सेटिंग आप खुद ढूंढते हैं कि मैं इधर जो भी हूं मकसद क्या है और क्या क्या, उस मकसद के बाद मेरा लक्ष्य क्या है, मैं हूं यहां क्यों. जब मुझे समझ आए मैं यहां क्यों हूं, या तो वो लक्ष्य अपने लिए या दूसरा लक्ष्य देता है, या आपको खुद देते हैं या आपको दूसरे देते हैं. प्राइवेट सेक्टर में आपको दूसरे देते हैं, पब्लिक सेक्टर में आप खुद ढूंढते हैं. मैंने अपना हर जगह जहां गई मैंने लक्ष्य अपना लक्ष्य खुद ढूंढा. लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको कॉर्पोरेशन देती है, आपको कंपनी देती है कि ये है तुम्हारे गोल्स, ये है तुम्हारे अप्रेजल सिस्टम्स, तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाते हैं. और अगर आप गोल से पसंद हैं तो त्याग दो, उसको प्यार दो, उसको इज्जत दो, उसको फॉलो करो, आपका गोल के बाद गोल बनता जाएगा. लेकिन अगर आप उसको थोपा हुआ समझो और उसको सोचो कि अरे ये तो मजदूरी है, ये तो बड़ी मेहनत है, ये तो बड़ी कसरत है, तो फिर आपका गोल सेटिंग नहीं है. यू आर इन अ वे सर्विट्यूड, आप सर्विट्यूड है, आप एंजॉय नहीं कर रहे अपना गोल्स. अगर या तो आपको गोल दिया गया, अगर एग्री करते हो तो उसको अपना लो, उसको अपना गोल बना लो, और अगर एग्री नहीं करते तो फिर आप उस आप एक नौकरी कर रहे हो. यू आर नॉट अ मास्टर एंड यू आर नॉट एंजॉयिंग योर वर्क. हम धीरज जानना चाहते हैं कि आप इतने लोगों की इंस्पिरेशन है, कोई आपका भी इंस्पिरेशन होगा, आपने भी किसी से लीडरशिप क्वालिटी सीखी होंगी, कौन है जिनको आप ऐसा श्रेय दे सकती हैं जिससे आपने काफी लीडरशिप लेसन लिए, आपके लिए वो एक इंस्पिरेशन है? मेरे लिए इंदिरा नूई बड़ी इंस्पिरेशन है. मेरे लिए इंदिरा नूई परफेक्ट इंस्पिरेशन. मैंने उसकी बुक पढ़ी है लिविंग लाइफ फुल, जबरदस्त. शी इज अ परफेक्ट इंस्पिरेशन फॉर मी. उसकी और मेरी अपब्रिंगिंग भी एक जैसी तकरीबन, हमारी करियर ट्रैजेक्टरी भी ऑलमोस्ट सेम है. और मैंने देखा कि जैसे वो मेरी किताब लिखी है या मैंने उसकी, इसीलिए वो इतनी अच्छी है कि सुबह 6 बजे उठ के उसने मेरे लिए बुक रिलीज की है, खुद वॉलंटियर किया है कि मैं तेरी बुक रिलीज करूंगी. तो मैं ये कहूंगी मेरे लिए संत महात्मा तो है ही, संत महात्मा मेरे लिए है इंस्पिरेशन, इसमें कोई राय नहीं है. लेकिन इस वक्त अगर पूछेंगे तो मेरे लिए इंदिरा नूई एक खुद इंस्पिरेशन है. आई थिंक मैम वो काफी मैं कहूंगी कि हर एक के लिए शायद एक इंस्पिरेशन है, स्पेशली
शी वॉज द वन आई थिंक जिन्होंने एक वुमेन ब्रेकिंग सीलिंग जो एक्चुअली वर्ड आया था वो वहीं से कहीं से हम लोगों ने इन द कॉर्पोरेट सेक्टर वहीं से सुना था. तो ग्रेट इंस्पिरेशन टू एवरीवन. हम मुकद्दस ये पूछना चाहते हैं कि आपने अपने आईपीएस करियर में पीएम मैडम की गाड़ी जब उठा ली थी, वो आपने जब आप करने लगे थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम ये आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आसपास क्या हो रहा था, ये दोनों सिनेरियोस? मेरा दिमाग में था कि बिल्कुल ठीक हुआ, इसीलिए तो हम हैं यहाँ. हम हैं किस लिए? हम सिर्फ छोटी मछली के लिए थोड़ी है. जब आप बड़ी मछली को पकड़ेंगे, छोटी मछली अपने आप टाइम लाइन पे आ जाती है. सो जब मेरा पॉलिसी था, मेरे डिपार्टमेंट पॉलिसी बनती है कि ये है पॉलिसी, ये है रूल, इस रूल को फॉलो करो, मेरे पास पूछने मत आना. सो जब आप पॉलिसी बना दें और आप उसको अकाउंटेबल रहें और आप उसकी सपोर्ट करें, हर ऑफिसर एम्पावर हो जाता है कानून की रक्षा करने के लिए. उनको शक नहीं रहता है कि अरे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी होगी तो पता नहीं अब मैडम क्या कहेगी. उनको पता है मैडम कुछ नहीं कहेगी, मैडम कहेगी शाबाश. ऐसे ही तो करना था अगर लेकिन ये नहीं उनकी गाड़ी के पीछे जाओ, नाम के वास्ते नहीं. अगर गलती की आपने, की आपने पूरी ठीक नियत से की, तो मैं आपके साथ हूं. मैम, पैशन वर्सेस मनी की जो एक डिबेट है वो बहुत ही कई सदियों से और सालों से चलती आ रही है एंड वो अब और भी प्रेवलेंट हो गई है जब लोग वर्क फ्रॉम होम के बाद अपना पैशन बहुत परस्यू करने लगे हैं. तो आपके दास से पैशन वर्सेस मनी की ये जो डिबेट है, पैशन फॉलो किया जाए या एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी वो फॉलो की जाए, अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मुझसे और हम हमारे फोरम पे, आपका इस पे क्या राय है? अपना बैलेंस ढूंढो, हाउ मच यू नीड, कब तक, किस हद तक आपको चाहिए, क्यों चाहिए, और फिर जो आप गेन करेंगे करेंगे क्या उससे. सो अपना अपना बैलेंस सब जो ना ढूंढता है, अपनी लिमिट ढूंढो. लिमिटलेस ग्रीड मत करो, नीड जरूर रखो, सिक्योर जरूर करो, लेकिन जब ग्रीड हो जाओगे तो फिर बहुत सारे आपके कहीं ना कहीं असर करेगा, क्योंकि वो तनाव देगा आपको. सो ग्रीडी मत बनो, नीडी बनो, दूसरों की नीड को मीट करो, अपना बैलेंस भी रखो और लाइफ को एंजॉय करो. राइट, लाइफ को एंजॉय करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही चीज आपको ड्राइव करेगी. इसी एंजॉयमेंट पे हेमंता पूछना चाहते हैं, मैम लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल और हमें ये कहीं ना कहीं रोकती हैं टू यू नो इधर प्रेजेंट आवर वर्क और या अपनी लीडरशिप को उस तरीके से दिखाने में. तो ये हम कैसे अवॉइड कर सकें, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ? डिस्ट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन. तो आप अपनी चूज करो अट्रैक्शन. अगर आपको अट्रैक्ट करता है मॉर्निंग वॉक इनटू द गार्डन, चूज दैट एज एन अट्रैक्शन. उसमें डिस्ट्रैक्शन, सो चूज योर अट्रैक्शन. आई थिंक वंस यू मेक चूज योर अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शंस गो अवे. सो रादर देन सेइंग हाउ डू आई स्टे कीप अवे नेगेटिव्स, मैं ये कहूंगी पॉजिटिव चुन लो, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं. आई थिंक दैट्स द राइट थिंग, अपनी डिस्ट्रैक्शन को चेंज इट एंड लुक आफ्टर और गो आफ्टर you know, attractions, not distractions. Quite a nice statement, or I think ये golden statement है जो हम सबको याद रखनी चाहिए. मैम, people want to know how do you unwind? आपकी hobbies क्या हैं? आप क्या करते हो in your free time? आपके साथ बात करके unwinding. मैं तो हर चीज जो करना है पहले तो वो ही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. दूसरी चीज आप मेरे से नहीं करवा सकते. So I make my choices and I plan my time. So मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. आप जबरदस्ती मेरे से कुछ नहीं करवा सकते. अब हमारा समय खत्म हो रहा है तो टू सम अप मैं एक चीज आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आपका कोई मैसेज हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, हमारे जो स्टार्टअप जो अभी एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और काफी एंटरप्रेन्योर्स भी हैं इस सेशन में जो आपको सुन रहे हैं, आपका एक मैसेज जो उन तक पहुंचे और एक लर्निंग, एक ऐसी सीख जो अपने साथ हमेशा रख सके? पहले तो ये स्टार्टअप क्यों करना चाहते और कौन सा जो सब्जेक्ट है क्यों करना चाहते. वंस द क्यों इज क्लियर, फिर पता चले मेरे पास साधन क्या है. उतनी चादर फिर फैलाओ जितनी जितना आपके पास कैपेसिटी है और फिर शांत रखो, पेशेंस रखो, कंपेटिटर जानो क्योंकि कंपेटिटर भी है. सो आपको पहले पर्पस ये नहीं इसलिए क्योंकि उसने किया, नहीं नहीं नहीं, आपका मन है इसमें, आप जानते ही जरूरत है या वैल्यूबल है, ये नया कॉन्ट्रीब्यूशन है या इसकी समाज में जरूरत है, तो पहले कौन सी चीज क्यों कर रहे हो. फिर नंबर टू,
क्या आपके पास उसकी काबिलियत है? अच्छा, लेकिन दिलचस्पी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। साधन क्या है? इतने हैं, शुरू करो, चाहे कार गैरेज से शुरू करो, चाहे घर से करो, लेकिन करो। लेकिन ये मत कंप्लेन मत करो मेरे पास जगह बड़ी नहीं है। देन बी पेशेंट। स्टार्टअप मीन्स पेशेंस, स्टार्टअप डजंट मीन उसके बाद जब कमाने लगो वही मत खाने लग जाओ। इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट बैक, उसमें वापस इन्वेस्टमेंट करो, ना कि आप उसी को खा लो तो बचाओगे कैसे? दैट मीन्स यू हैव टू गो स्लो एंड स्टेडी एंड कंटिन्यू टू नो योर कंपेटिटर्स, गो बैक टू द मार्केट एरिया में रिसर्च करते रहो, देख लो सरकार की पॉलिसीज क्या आ रही है, इंसेंटिव्स कहाँ है, धीरे धीरे कोलैबोरेट भी करो। अगर आपकी अच्छी दोस्ती है तो पार्टनरशिप भी बनाओ। स्टार्टअप डजंट मीन अकेलापन, स्टार्टअप मीन्स गुड फ्रेंड्स, स्टार्टअप मीन्स कमिंग टुगेदर। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, परसिवियरेंस, पेशेंस, एबिलिटी, नॉलेज, ये चीजें एंड रिसोर्सेस इज वेरी वेरी, एंड ग्रीडी मत बनना। अगर अर्ली ग्रीड बन गए तो आपको ये स्टार्टअप दुखदायी हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीड बेस्ड रहे, इन्वेस्टमेंट वापस करते रहे, बड़ी जल्दी यूनिकॉर्न बन जाओ। तो आई थिंक ये एक बहुत ही कहते हैं ना, साधारण भाषा में सिंपल तरीके से किरण मैम ने हमको एक बिजनेस के सक्सेस की साइकिल का एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है कि यस, आपको पेशेंट रहना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और अपने आप को आपने देखना है, कहते हैं ना रीवायर, आप देखते रहिए कि क्या आप नया कर सकते हैं जो आपके ही प्रोडक्ट को या आपके ही बिजनेस को कस्टमर के लिए बेटर बना सकता है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय निकाला, हमें ज्वाइन किया, इतनी अच्छे लेसन्स दिए। आपको सुनने में ही इतना मजा आता है कि यू नो वन फील्स के यू शुड जस्ट कंटिन्यू एंड कीप सेइंग। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया। अगर आप और भी सवाल आ रहे थे, मैं अभी समय की तंगी के कारण पूछ नहीं पा रही हूँ, बट अगर आप चाहते हैं मैम से और सवाल पूछें तो आप मेरे कम्युनिटी प्रोफाइल पे समृति ग्रोवर के आप वो सवाल भेज सकते हैं, हम मैम को वो ईमेल कर देंगे, फिर जब वो जवाब आएंगे हम आपको वो जवाब शेयर कर देंगे, कोशिश करेंगे जवाब के आपके सारे सवालों के जवाब हो सके। थैंक यू सो मच हमारी ये स्पेशल मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए सीरीज में। अगली बार भी आप भूलिएगा मत, हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री लीडर ज्वाइन कर रहे हैं। अगली मास्टर क्लास है आशीष चौहान जी के साथ, जो MD एंड CEO हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, तो वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन्स देने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से आप अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हो। और ऐसे ही इन्होंने कई बिजनेसेस को देखा है जो लिस्ट हुए हैं और बड़े हुए हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू टू एवरीबडी, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।